أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال:

लेकिन नबी अली सलाम ने इस हदीस के अंदर इस टुकड़े में एक और तबके का तस्करा किया है जो खैरलनास की इस फहरिस्त का हिस्सा बन रहे जिन खुशनसीबों को नबी अली सलाम ने समाज के बेहतर लोग करार दिया उनमें से नबी सलाम ने बयान फरमाया कहा वह खैरजीरा इन खैरु हमली चार ही पड़ोसियों में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतर वो करार पाता है जो अपने पड़ोसी के साथ सबसे अच्छा रहे कल के दस में हमने आपके सामने ये बुनियादी मसला छेड़ा था कि इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को अल्लाह ताला ने जब मुआशरत पसंद बनाया है समाजी बनाया है इंसान को ऐसा इंसान बनाया है जो समाजी सतह पर ताल्लुक़ का मोहताज है तो इस्लामी शरीयत हम और आपको वो तलीमत भी देती है जो हम और आपको समाज का बेहतर अंसुर बना सके समाज कर का बेहतर हिस्सा बना सके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये बात बयान फरमाई है कहा कि तुम पड़ोस में रहते हो और जाहिर बात है इंसान बस्तियों में बसता है आबादियों में बसता है कस्बों और शहरों में बसता है और जब बसता है तो एक दूसरे से करीब बसता है कभी तो ऐसा होता है कि दरमियान में सिर्फ एक दीवार हाइल होती है और कभी ऐसा होता है कि चंद कदम की मसाफत पे उसका अपना एक दूसरा पड़ोसी रहता है पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको ये अदब सिखलाया है कि हम अगर किसी के पड़ोस में रहते हैं और हम में के तकरीबन निन्यानवे फीसद फी लोग किसी न किसी के पड़ोसी ही हैं तो नबी अलीतलाम ने बताया कि हमें अपने पड़ोसी के हक में बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए आप ये बात याद रखें दुनिया हमेशा बेहतर पड़ोसी तलाश करती है आदमी घर लेने से पहले मोहल्ला ढूंढता है कि मोहल्ला अच्छा कौन सा है अरबी जबान का मकोला है लोग कहते हैं उतलुबिलजार कबल के घर से पहले पड़ोसी तलाश करो आदमी यह देखता है कि मैं जहां रहने जा रहा हूं वहां के लोग कैसे हैं क्या हैं। जब हम और आप ये बात जानते हैं कि कितना ही अच्छा घर मुझे मिल जाए लेकिन अच्छे मोहल्ले में ना मिले अच्छा पड़ोसी मुझे न मिले तो मेरा अच्छा घर भी अच्छा नहीं रहेगा तो हमें उससे पहले यह सबक सीखना चाहिए कि मुझे अपने आप को अपने पड़ोसी के हक में बेहतर बनाना है अच्छा पड़ोसी तलाश करने से कम मिलता है खुद को अच्छा पड़ोसी बना लेने से पड़ोसी अच्छा बन जाता है जिंदगी भर आप ये सबक याद रखें हमारी तलाश अगर यही रहेगी कि अच्छा पड़ोसी ढूंढ कर हम जो है पड़ोस बसाएंगे तो अक्सर वेशतर हम नाकाम होंगे बसा औकात ऐसा भी होगा कि अच्छा पड़ोसी चंद दिनों के बाद खुद हमारे मिजाज हमारे सलूक की वजह से बुरा पड़ोसी बन जाएगा कई बार ऐसे होगा कि एक पड़ोसी चंद मामला में अच्छा होगा बकिया मामला में हमारे साथ बिगड़ जाएगा लेकिन ये बात याद रखें कि हम अगर अच्छे पड़ोसी बन गए तो हमारा अच्छा सुलूक हमारे पड़ोसी को भी सुधार सकता है हमारा अच्छा सलूक उस आदमी को उसकी बिगड़े हुए अखलाक को संवार सकता है करन मजीद में अल्लाह तबारा ने यह जाबिता सिखलाया ना इबीसन आप किसी की बदसुल का जवाब हु और आपको देना चाहिए अगर आप ऐसा देंगे तो क्या होगा वो जो आपका दुश्मन है कल आपका गर्म जोश दोस्त बन सकता है इसे हम पड़ोस के अंदर पड़ोस के मामले में लागू करेंगे तो क्या समझ में आता है बुरे पड़ोसी की शिकायत करने से ज्यादा हो सकता है कोई बुरा पड़ोसी हो ऐसा नहीं कि आप बुरे हैं लेकिन पड़ोसी भी बुरा हो सकता है लेकिन बुरे पड़ोसी की शिकायत करने से ज्यादा अगर हम खुद को अच्छा पड़ोसी बना लेंगे तो हो सकता है कि वो बुरा पड़ोसी अच्छा पड़ोसी बन जाए हमारे बेहतर सलूक से वो पड़ोसी हमारे हक में अच्छा हो जाए ये मुमकिन है और अल्लाह के वसल्लम ने ये मिजाज रखने वाले जो मुसलमान होते हैं कि वो खुद को अच्छा पड़ोसी बनाते हैं। अपने पड़ोस के हक हाँ में अच्छा बनाते हैं उनके हक हाँ में नबी अली सलाम ने यह जमानत दी है का खैरुल जीरानी इंदल्लाह खैरुहुम ली जा ही पड़ोसियों में अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर बंदा वो शुमार होता है जो अपने पड़ोसी के हक हाँ में बेहतर वाक होता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा साहबा के सामने कहा वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्ला कसम अल्लाह की वो पूरा मोमिन नहीं कसम अल्लाह की वो मिसाली मोमिन नहीं कसम अल्लाह की वो अच्छा मोमिन नहीं ने पूछा है अल्लाह के नबी कौन है अल्लाह के नबी नबीम ने कहा मल्ला वो इंसान जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे आपके घर की आवाजें परेशान करती हैं आप परेशान कर रहे हैं अपने पड़ोसी को आप अपने घर का कचरा घर के सामने इधर उधर डालते हैं रास्ता चलते पड़ोसी को तकलीफ हो रही आप परेशान करते हैं आप अपनी सवारी या अपना जानवर या अपनी कोई चीज ऐसे ला, पार्क करते हैं कि चलने फिरने में पड़ोसी को तकलीफ हो आप तकलीफ दे रहे हैं आप अपने घर से निकलने वाले पानी निकासी का उसका सही इंतजाम नहीं करते आपका पानी पड़ोसी के सामने जाके जमा होता है आप पड़ोसी को तकलीफ दे रहे हैं आपके घर में होने वाले झगड़े आपके घर से होने वाली आवाजों से पड़ोसी को परेशानी हो रही है आप पड़ोसी को तकलीफ दे रहे तकलीफ का कोई जाबिता नहीं आप अगर महसूस कर सके तो आपको अंदाजा होगा किस किस चीज से तकलीफ होती है लोग ये समझते हैं कि आप जोर जबरदस्ती से मान मामले को दबा ले जाएंगे तो मामला निकल जाएगा बहुत सारे लोग पड़ोस के सिलसिले में उनका ये है कि मैं जोर आवर हूं मेरे बच्चे चाहे कितनी ही तकलीफ पहुंचाएं वो शिकायत नहीं कर सकते शिकायत करें तो वो गलत हो जाएंगे मैं इतना जोर आवर हूं कि लोग मुझसे डरते हैं अल्लाह के नबी ने कहा आप कामिल मोमिन नहीं है आपके घर से गंदा पानी निकल के सामने इकट्ठा हो रहा है सामने वाला शिकायत करने से डरता है इसलिए कामयाब इंसान हैं नबी फरमाते हैं आप पूरे मोमिन नहीं हैं आप ये देखें आपकी तरफ से किसी किस्म की तकलीफ आपके पड़ोसी को नहीं होनी चाहिए अगर हो रही है तो आप अच्छे मोमिन नहीं इसके मुकाबले में आप अच्छे पड़ोसी कब बन सकते हैं आप जब उनके साथ बेहतर सलूक करें और बेहतर सलूक का एक तरीका नबी अल्लाहु सलाम ने यह भी सिखलाया कि पड़ोसियों के हां तोहफे तहائف देने का माहौल कायम करो आपके घर में जो बनता है अपने पड़ोस में भेजा करो बेहतर मुआमला किया करो नबी अल्लाहु अता सलाम ने यह बात बयान फरमाई कहा اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك जब तुम गोश्त का सालन बनाओ अच्छा सालन बनाओ और मकदार अगर कम है तो थोड़ा सा पानी इजाफा कर लो शोरबा बढ़ा लो शोरबा बढ़ जाएगा तो क्या होगा जीरो नक उसमें से कुछ अपने पड़ोसियों का भी ख्याल कर लिया करो तोहफे तहफ देते रहा करो कि इससे नफरतें नाराजगियां दूर होंगी कुछ देने पकवान इधर उधर भेजा करो तो इससे मोहब्बत बनी रहेगी और जब आप ये रवैया इख्तियार करेंगे तो क्या होगा खैरुल जीवान इंदरुहमली जारी पड़ोसियों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने पड़ोसी के हक में बेहतर होता है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल अलीसलातलम के बारे में नबी सला फरमाते कि जिब्राइल पड़ोसी के मामले में मुझे इस कदर ताकीद करते रहे कि मुझे तो लगा कि अगली बार आएंगे तो ये हुक्म भी लेकर आएंगे कि तुम्हारे माल में वो भी तुम्हारी औलाद के साथ वारिस है तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारा वारिस है इस कदर ज्यादा अल्लाह के नबी ने कहा कि जिब्राइल ताकीद करते रहे ऐसा कोई हुक्म लेकर नहीं आए लेकिन बार बार इतनी ताक़ीद पड़ोसी के हक में करते रहे अल्लाह के नबी को तो कहीं बिल्कुल औलाद के दर्जे में पड़ोसी को अल्लाह ताला शामिल ना कर दे हाजिने गिरामी जो बात जिक्र करनी थी वो ये कि खैर की फहरिस में इस हदीफ के मुताबिक वो पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोसी के हक में बेहतर वाक होते हैं नबी अलीसलाम ने यह बात बयान फरमाई कि खैरुल उल जी रानी पड़ोसियों में अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर बंदे वो शुमार होंगे जो बंदा अपने पड़ोस अपने पड़ोसी के हक में बेहतर साबित होता हो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको और आपको एक बेहतर पड़ोसी बनने की तौफीक अता फरमाए और हम और आपको अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होने के नसीब शामिल होने का ये जो मौका अल्लाह ताला ने जिंदगी में दिया है और खुश बनने का जो मौका अल्लाह ने दिया है उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व